हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्क यू के 5.1 होम थिएटर की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, यार आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि यार इस मॉडल की अनबॉक्सिंग करिए, सो फाइनली यार आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हमने इस मॉडल को खुद परचेज करा है। एंड दोस्तों, अभी इस मॉडल का करंट प्राइस चल रहा है 9,999 रुपीज़। अगर आपको ये मॉडल को परचेज करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस मॉडल का परचेज लिंक दे दूंगा, जाकर आप परचेज कर लीजिएगा। दोस्तों, यार इस मॉडल की जो सबसे खास बात लगी है हमें, एक तो ये 5.1 होम थिएटर है एंड इस पर हमें 160 वाट सारे में इसका साउंड आउटपुट मिलता है। साथ में दोस्तों, यार हमें सारे लेटेस्ट कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, जैसे कि ऑप्टिकल, एचडीएमआई, ब्लूटूथ। सो ये सारी चीजें हम आपको आगे डिटेल पे दिखाने वाले हैं। बाकी आज की वीडियो में दोस्तों, हम इसके डिजाइन को काफी डिटेल में दिखाएंगे, साथ में दोस्तों हम इसका साउंड टेस्ट भी करने वाले हैं। सो आपने वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। बाकी दोस्तों, यार अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, सो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो यार वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है हमारा मार्क यू 5.1 होम थिएटर का बॉक्स। देख लीजिए दोस्तों, बॉक्स पर हमें मॉडल नंबर पूरा मेंशन करा हुआ मिल जाता है, साथ में हमें मॉडल का जो डिज़ाइन है वो भी बॉक्स पर बना हुआ मिल जाता है एंड हमें फीचर्स के बारे में भी दोस्तों बॉक्स पर मेंशन करा हुआ मिल जाता है। जैसे कि इस पर हमें ऑप्टिकल, यूएसबी, ऑक्स, एफएम, एचडीएमआई, ब्लूटूथ, ये सब की कनेक्टिविटी मिल जाती है। सो फटाफट से अपने बॉक्स को ओपन करते हैं एंड आपको हर एक चीज़ को डिटेल पर दिखाते हैं। दोस्तों, बॉक्स हमारा ओपन हो गया है। सबसे पहले हमें यूज़र मैनुअल मिल जाती है, प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र मैनुअल पर मिल जाएगी। हमें एफएम एंटीना केबल भी मिल जाती है, साथ में हमें आरसीए 3.5 mm केबल भी मिलती है। दोस्तों, हमें फुली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल भी इस पर मिल जाता है। सो हम रिमोट कंट्रोल को भी आपको थोड़ा डिटेल में दिखा देते हैं। देखिए, रिमोट कंट्रोल का जो डिज़ाइन है वो हमें डिसेंट मिल रहा है, मतलब डिज़ाइन आपको डिसेंट ही मिलने वाला है। बट यार, हम अपने सिस्टम को रिमोट कंट्रोल से पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, हमें पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है, म्यूट का बटन मिलता है, सोर्स का बटन मिल जाता है, रीसेट का बटन मिलता है। साथ में दोस्तों, हम हर एक चैनल की वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि हम रियर स्पीकर्स की वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, सेंटर चैनल की वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं एंड हम फ्रंट चैनल्स की वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम 5.1 एंड या 2.1 चैनल पर भी इसे सेट कर सकते हैं। देख लीजिए, ब्लूटूथ का बटन हमें मिल जाता है, स्कैन का बटन मिलता है, वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए बटन हमें मिल जाते हैं, प्ले पॉज प्रीवियस नेक्स्ट के भी बटन हमें मिलते हैं एंड हमें ऑक्स का भी बटन मिल जाता है। दोस्तों, हम बेस एंड ट्रेबल को भी एडजस्ट कर सकते हैं एंड हमें मूवी, म्यूजिक, नॉर्मल, न्यूज, ये साउंड मोड्स भी मिल जाते हैं। नीचे से देख लीजिए, मार्क यू की ब्रांडिंग भी हमें इस पर मिलती है। बिल्ड क्वालिटी भी दोस्तों रिमोट कंट्रोल की हमें डिसेंट मिलती है। दोस्तों, अब अपने सारे सैटेलाइट स्पीकर को बॉक्स से बाहर निकालते हैं एंड अनरैप करके आपको डिटेल पे दिखाते हैं। तो गाइज, देख लीजिए, हमने सारे सैटेलाइट स्पीकर्स अनरैप कर दिए हैं। डिज़ाइन इनका काफ़ी तगड़ा है एंड सभी का जो डिज़ाइन है, देख लीजिए, फ्रंट, राइट, लेफ्ट एंड टू जो सराउंड स्पीकर्स हैं राइट लेफ्ट के, उनका डिज़ाइन हमें सेम ही देखने को मिलता है। सो हम एक ही को आपको डिटेल में दिखाएंगे एंड हम सेंटर स्पीकर को भी थोड़ा आपको डिटेल में दिखा देंगे। दोस्तों, देखिए, सामने की तरफ से हमें 3 इंच का ड्राइवर इस पर मिल जाता है। बाकी के सैटेलाइट स्पीकर्स पर भी दोस्तों हमें 3 इंच का ड्राइवर मिल जाता है एंड नीचे से देख लीजिए, मार्क यू की ब्रांडिंग भी हमें इस पर मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी जी दोस्तों सैटेलाइट स्पीकर्स की हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, यहाँ पर आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, यार जो डिज़ाइन दे रहेगा है वो भी हमें काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखिए, हम सैटेलाइट स्पीकर्स को वॉल माउंट भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। एंड दोस्तों, जो आउटपुट है सैटेलाइट स्पीकर का 18.8 वाट्स का है। बाकी के सैटेलाइट स्पीकर्स का भी दोस्तों सेम ही हमें आउटपुट मिल जाता है 18.8 वाट्स का। चलिए दोस्तों, अब हम आपको सेंटर स्पीकर को भी डिटेल पे दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यार सेंटर स्पीकर्स का जो साइज है वो बहुत ज्यादा ह्यूज है, काफी तगड़ा लग रहा है देखने में। सामने की तरफ से दोस्तों हमें 3 इंच के ड्राइवर्स इस पर मिल जाते हैं एंड बीच में हमें मार्क यू की ब्रांडिंग भी इस पर मिलती है। दोस्तों, सेंटर स्पीकर का भी दोस्तों टोटल पावर आउटपुट है 18.8 वाट्स का एंड सेंटर स्पीकर को भी दोस्तों हम वॉल माउंट कर सकते हैं। सो फैसिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो यार कहीं पे भी कमी नहीं रखी गई है एंड सेंटर स्पीकर की भी दोस्तों बिल्ड क्वालिटी हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है।
चलिए दोस्तों, अब अपने थर्माकोल को बॉक्स से बाहर निकालते हैं एंड सबवूफर को भी बॉक्स से बाहर निकाल के अनरैप करके आपको डिटेल पे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने सबवूफर को भी अनरैप कर दिया है। यार सीरियसली दोस्तों, इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी तगड़ा हमें मिल रहा है एंड साइज़ दोस्तों इसका काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा इसका डिज़ाइन देख के। चलिए अब मैं आपको थोड़ा इसे डिटेल में दिखा देता हूँ। दोस्तों सामने की तरफ से हमें LED डिस्प्ले मिल जाता है, जो भी फंक्शन हम ऑपरेट करेंगे वो डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। बट दोस्तों यार, इस पर जो बटन्स हैं वो हमें नहीं मिलते हैं, ये मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा है। मतलब बटन्स देने चाहिए थे, फिजिकल बटन्स इस पर हमें नहीं मिलते हैं, ये खाली डिज़ाइन के लिए दे रखे हैं। एंड नीचे से दोस्तों हमें इस पर 8 इंच का बेस ड्राइवर मिल जाता है। सो साइज़ देख के एंड 8 इंच के सबवूफर के हिसाब से मेरे हिसाब से बेस क्वालिटी तो काफ़ी तगड़ी हमें मिलने वाली है। साइड से हमें USB पोर्ट एंड SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है। दोस्तों अब मैं आपको इसके बैक साइड को थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें HDMI ARC पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट एंड FM एंटीना पोर्ट मिल जाता है। दोस्तों उसके नीचे हमें ऑक्स के लिए भी पोर्ट इस पर मिल जाता है, यानी कि RCA 2/3.5mm केबल हम यहीं पे कनेक्ट करेंगे। एंड दोस्तों अगर आपके पास DVD प्लेयर है सो आप इससे DVD प्लेयर भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपके DVD प्लेयर पे Dolby ऑडियो का सपोर्ट है, Dolby डिजिटल का सपोर्ट है, सो आप इस होम थिएटर के थ्रू एक्सपीरियंस पा सकते हैं, तो वो चीज़ भी हमें इस पर मिल जाती है। एंड नीचे से दोस्तों हमारे सारे सैटेलाइट स्पीकर्स कनेक्ट होंगे। बैक साइड पर ही हमें पावर ऑन ऑफ का स्विच भी इस पर मिल जाता है। इस साइड से हमें बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट मिल जाता है, यानी कि होल जहां से एयर पास होगी। एंड इस पर हमें प्रोटेक्शन भी लगा हुआ मिल जाता है। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी सबवूफर की हमें काफ़ी तगड़ी मिल जाती है एंड दोस्तों ये काफ़ी वेटेड भी है। दोस्तों अब अपने होम थिएटर को पावर ऑन करते हैं एंड आपको थोड़ा डेमो देते हैं। तो देख लीजिए, जैसे ही हमने सिस्टम को पावर ऑन करा, LED डिस्प्ले ऑन हो गया है। दोस्तों सोर्स के बटन से देख लीजिए, हम मोड्स को चेंज कर सकते हैं। ये FM मोड, ऑप्टिकल, HDMI, ऑक्स, DVD एंड ये ब्लूटूथ। सो हम सोर्स के बटन से मोड्स को चेंज कर पाएंगे। दोस्तों हम हर एक चैनल की वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। देख लीजिए, फ्रंट चैनल्स की वॉल्यूम को हम एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा करके दिखा रहा हूँ, डिटेल में देख लीजिए। दोस्तों हम 30 तक के पॉइंट तक फ्रंट चैनल, सराउंड चैनल, सेंटर चैनल सभी की वॉल्यूम का एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। दोस्तों इसे हम 2.1 चैनल या 5.1 चैनल के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। तो बटन हमें मिल जाता है रिमोट कंट्रोल पे। अब हम आपको इसकी फुल वॉल्यूम दिखा देते हैं। दोस्तों इस पर हमें 30 तक की मैक्स वॉल्यूम मिल जाती है एंड हम रिमोट कंट्रोल से बेस एंड ट्रेबल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम -6 से +6 तक बेस एंड ट्रेबल दोनों चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों रिमोट कंट्रोल पर आप देख लीजिए, हमें मूवी का भी बटन मिल जाता है, यानी कि अगर हम मूवी देख रहे हैं तो हम इसे मूवी मोड में रखेंगे एंड अगर हम म्यूज़िक सुन रहे हैं तो दोस्तों इसे हम म्यूज़िक मोड में रखेंगे। देख लीजिए म्यूज़िक मोड में हमें इक्वलाइजर्स भी मिल जाते हैं, तो यार ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। अगर दोस्तों आपको फ्लैट साउंड सुनना है तो नॉर्मल मोड हमें मिल जाता है एंड अगर आपको न्यूज़ सुननी है तो आपको रिमोट कंट्रोल पे न्यूज़ का बटन मिल जाएगा। दोस्तों अब अपने सिस्टम का फर्स्ट अटैम्प्ट पे साउंड टेस्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए, हमने अपना फ़ोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर दिया है। प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा एंड रेडी रहेगा, जल्दी इसका डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो आ जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको इस मॉडल की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस SNR वैल्यू देखनी है तो मैं स्क्रीन पर देख लीजिए एक पिक शेयर कर रहा हूँ, इस पर इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, सो आप इसे भी डिटेल में देख सकते हैं।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस मॉडल का फर्स्ट अटेम्प्ट में साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि इस मॉडल पर हमें किस तरीके का साउंड परफॉर्मेंस मिलता है। बाकी टेंशन मत लीजिएगा, जल्दी इसका डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो आ जाएगा एंड डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में यार इस मॉडल का साउंड एक्सपीरियंस कैसा हमें मिलता है। बाकी दोस्तों यार मुझे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में इस मॉडल की साउंड क्वालिटी बढ़िया लगी है। स्पेशली दोस्तों यार मुझे इस मॉडल की जो बेस क्वालिटी है एंड लाउडनेस, ये दो चीज काफी तगड़ी लग रही है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट लग रही है। बाकी डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो में अच्छे से ही टेस्ट करके पता लगेगा कि यार ओवरऑल कितना बढ़िया परफॉर्मेंस है। सो डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो का वेट जरूर से करिएगा। बाकी दोस्तों यार अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन भी इसका हमें काफी बढ़िया मिल जाता है। साथ में दोस्तों यार बिल्ड क्वालिटी जो है इस मॉडल की वो भी हमें काफी बढ़िया मिलती है। वो चीज तो मतलब आपको क्लियर पता भी लग रहा होगा, मतलब डिजाइन में तो कोई भी कमी नहीं मिलेगी एंड दोस्तों फीचर्स भी हमें सारे मिल जाते हैं। जबकि हम इस प्राइस पॉइंट में देखें तो यार मेरे हिसाब से और कोई भी मॉडल इतने अच्छे फीचर्स हमें ऑफर नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पर हमें HDMI ARC की कनेक्टिविटी मिल रही है, साथ में हमें ऑप्टिकल इनपुट पोर्ट भी मिल रहा है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल रही है, USB हर एक चीज की कनेक्टिविटी दे रही है। सो ओवरऑल मतलब फीचर्स के हिसाब से भी कोई भी कमी नहीं है यहाँ पे। क्योंकि दोस्तों अगर हम FND F6000X की बात करें दोस्तों यार उसका प्राइस है 11000 की रेंज में एंड उस पर हमें केवल ऑप्टिकल की कनेक्टिविटी मिलती है, HDMI ARC की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है एंड दोस्तों उस पर हमें केवल 135W RMS का साउंड आउटपुट मिलता है, जबकि इस पर हमें 160W RMS का साउंड आउटपुट मिलता है। सो 10000 के हिसाब से दोस्तों मेरे हिसाब से ये मॉडल काफी बेस्ट है, आप परचेस कर सकते हैं, मेरे को मतलब काफी पसंद आया है। सो अगर आपको परचेस करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, जाकर आप परचेस कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स आशा करता हूं यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड दोस्तों जल्दी इसका हम हिंदी पे भी साउंड टेस्ट लाने वाले इंस्टाग्राम पर, सो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।